लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हैं हमारी कंपनी के मैनेजर। हेलो, प्लीज टू मीट यू। मुनीम जी को तो जानती हो? नमस्ते बेबी। बेबी नहीं, मुझे मैडम की बात करो। मिस पालन, चलिए। तुम्हारे पिता और माता को दिया हुआ वचन पूरा हो गया माला बेटी। मेरे भाई और भाभी के स्वर्गवास के बाद तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की मैंने पूरी करने की कोशिश की। मैं भी बचपन से आज तक की तस्वीरें देखती आई हूँ। माँ बाप का असली प्यार तो मुझे आप ही से मिला है। आपने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया? नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया, मगर आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी और कोई भी फैसला खुद कर सकती हो। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना सारा कारोबार अपने हाथों में ले लो ताकि मैं कुछ दिन आराम कर सकूँ। डोंट वरी अंकल, आपने आज तक मुझे किसी बात पर नहीं टोका, मुझे पूरी आजादी दी, क्या ये मेरे लिए कम है? गो एंड टेक रेस्ट, मुझे दफ्तर जाना है। अच्छा। माला, मैं एयरपोर्ट नहीं आ पाई। ओह, दैट्स ओके। मैंने तेरे को जर्मनी में बहुत याद किया। झूठ बोलती, एक भी चिट्ठी तक नहीं डाली। यू नो मैं चिट्ठियों से कैसे एलर्जिक हूँ। अच्छा सुनो, तूने तो शादीवादी कर ली ना? हाँ। कैसा चल रहा है? बहुत मजे में हूँ। बहुत पुराने ख्यालात के हो, एक दो साल में बच्चे भी पैदा कर लोगे। अरे बाबा, वो तो दुनिया का दस्तूर है ही। ये सब दस्तूर बदलने होंगे। ठीक है, तेरा टाइम आएगा तू बदल लेना। अच्छा माला, तेरा क्या प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? क्या, फैक्ट्री का चार्ज लेना, अंकल को छुट्टी देना। चलो पचर के बात करते हैं। चल। मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं कमिंग सर। मॉर्निंग, क्या बात है? हमारी सेक्रेटरी लता नहीं आई? जी नहीं, उसकी तबीयत खराब है और आप तो जानते ही हैं कि वो मां बनने वाली है। यस, गॉड ब्लेस हर। आज की पोस्ट आ चुकी है? जी हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट लेटर मैंने यहाँ रखे हैं और ये कंप्लेन लेटर है जो कलकत्ता के मुखर्जी एंड सन से आया है। मुखर्जी एंड सन्स? जी हाँ, वो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं।
गुड गॉड, मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। मैं कम इन सर। आओ दीपक। ये सर, मुखर्जी एंड सन्स को हमसे कुछ शिकायत है। उन्हें हमसे क्या शिकायत हो सकती है? ये लेटर पढ़ो, इसमें लिखा है उनको माल कम मिल रहा है और उन्हें नकली माल भेजा जा रहा है। वो हमसे कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। तुमने आज तक इसके बारे में क्या किया? लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ये तो खामखा हमारी कंपनी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सर्टेनली नॉट, वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। उनसे जब शिकायत आई है तो उसके पीछे सच्चाई भी जरूर होगी। जितनी जल्दी हो सके तुम इसके बारे में मुझे रिपोर्ट दो। जाओ। वेरी गुड, असली और नकली में कुछ फर्क ही मालूम नहीं होता। मुंशी तोताराम। जी मैम साहब। दीपक बाबू से कंपनी के नए ऑर्डर्स की डुप्लीकेट कॉपीज ले आए। जी मैम साहब, आपकी बार तो बड़े तगड़े ऑर्डर्स आए हैं। दिल्ली की महेंद्र एंड कंपनी ने 5,000 क्राफ्ट शैम्पू की बॉटल्स के ऑर्डर दिए हैं। तो कम से कम अपनी 50% बोतलें उनके माल के साथ भेज दीजिएगा। जैसे आपकी इच्छा। बाबूलाल, आज जो माल भेज रहे हैं उसका पैकिंग ठीक ठाक हो गया है? अरे सब बॉक्स भर के रखा है और लेबल भी ऐसा लगा के रखा है कि खुद मातृ सब देखेंगे ना, उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा। वेरी गुड, अगर इसी परफेक्शन से काम होता रहा तो अपना बनावट का धंधा मुनाफा ही मुनाफा करेगा। जरा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमें जेल की हवा न खानी पड़े। क्यों, क्या हुआ? आज ही शिकायत का एक लेटर माथुर साहब के टेबल पर पहुंच गया। तो क्या हम पकड़े गए? पकड़े तो नहीं गए, लेकिन बुड्ढे के कान खड़े हो गए। बाबूलाल, असली माल में नकली माल थोड़ा कम मिलाओ, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ओ दीपक डार्लिंग, इसमें डरने की क्या बात है? माला आ गई है, कुछ ही दिन में ऑफिस का सारा काम वो संभाल लेगी। और आज शाम को हमारे क्लब में रिसेप्शन है जहाँ माला भी आ रही है। मैं उससे दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेडीज, मैं अपनी वुमेन्स लिबरेशन कमेटी की तरफ से मिस माला का स्वागत करती हूँ। थैंक यू। थ्री चेयर्स फॉर मिस माला। कम ऑन लेडीज। अरे मल्ला, तुम तो फॉरेन से लौट कर आई हो, वहाँ की औरतों के बारे में हमको कुछ बताओ नी। हाँ दिखरा, हाँ वो लोग कितना एडवांस है, तो जरा उन्हें बताओ नी, बताओ नी। वो भी हमारी तरह है, और फिर मैं तो वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने गई थी। अच्छा, तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और बढ़ाने का इरादा है क्या? तुम्हारा कंपनी का माल का तो इतना डिमांड है, इतना डिमांड है। हाँ, हमने अपने बॉयफ्रेंड को इंटीमेट सेंट लाने को बोला था, पर वो सेंटीमेंट सेंट लेके आ गया। पर हमने रिफ्यूज नहीं किया, हमको मालूम था तुम्हारी कंपनी का है। अरे आप लोग तो काम की बात छोड़कर मेरे कंपनी के माल की तारीफ करने लगे हैं। पन सचुच बोले। हाँ, पन काम की बात सोचे। मैं बताती हूँ, हमारे क्लब की औरतों ने इतने साल में क्या तरक्की की। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। हमारा हस्बैंड मिस्टर दारू वाला दारू पी पी का आउट हो गया। आउट हो गया, यानी कि इनका डाइवोर्स हो गया। ओह। और इनके हाथ में खाली बोतल रह गई। ये मिसेस दारू वाला से मिस पॉटी वाला बन गई। ओह, ऐसे आदमी को डिवोर्स कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। हम क्यों मर्दों से दब कर रही, क्यों लेडीज? Am I right? Absolutely right. Right? Yes, yes, we agree with you. I don't agree with you. मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं। तुम्हें कोई शिकायत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की सभी औरतें तुम्हारी तरह खुश हैं। माला का कहना ये है कि हम सबको ऐसा हस्बैंड मिले जो देखने में भोला भला और सीधा साधा। जी मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। तो क्या मैं टेढ़ा हूँ? जी मेरा मतलब है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। अच्छा, आप ईमानदार हैं तो मैं बेईमान हूँ। आप मेरा मतलब नहीं समझे। समझाइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं बंबई में नया आया हूँ, आप इस कंपनी के मैनेजर हैं, अगर एक छोटी सी नौकरी मिल जाती। ओ, तो आप इस शहर में नए नए आए? जी मैं इस कंपनी का मैनेजर। जी नौकरी कोई यहाँ नहीं। जी बड़ा बेसुरा ढोल निकला यार। अरे इस अंधे पर कोई रहम करो बाबा। अरे इस अंधे को कोई रास्ता दिखा दे बाबा। क्यों बाबा, क्या चाहिए? अरे इस अंधे को भीख नहीं चाहिए बाबा, बस ये सड़क पार करा दे बाबा। आओ बाबा आओ। आजा बाबा, आजा बाबा, आजा। समझ गया, आजा। आई। अरे अरे भगवान तुम्हारा भला करे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अच्छा बाबा, अब सड़क तो पार हो गई है, अब जाओ सूरदास। सूरदास? मैं सूरदास नहीं बेटा। क्या? हाँ, मेरा नाम कानून चंद है। कानून चंद, बड़ा अजीब नाम है। बेटा किसी ने गांव में मेरे बाप को कह दिया
कि इस दुनिया का कानून तो अंधा होता है, तो मेरे बाप ने खुश होकर उसी वक्त मेरा नाम कानून चंद रख दिया। सच कहता हूं बाबा, इस दुनिया का कानून भी अंधा है और दुनिया बनाने वाला भी। अच्छा बाबा, अच्छा भाई, अच्छा। आदमी कोई जान पहचान वाला लगता है। अबे साले कड़के, मेरा बटुआ गया। चलो भाई ये तो बचा। लो भाई लो, लो लो तुम भी। अरे चल भाई चल, आज तो बहुत देर। उठो बाबा उठो, कहीं चोर तो नहीं आई? नहीं नहीं बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर, अपनी गाड़ी को देख लो, कहीं उसको चोट तो नहीं आई। अरे गाड़ी को क्या चोट आएगी बाबा, ये बता तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं नहीं बाबा नहीं, मुझे तुम्हारी गाड़ी में बैठकर कहीं दूर नहीं जाना है। मुझे तो ये सड़क पार करा दो, हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। तुमको प्रभु की वाहवाह मिलेगी और मुझको अपना रास्ता मिल जाएगा। भगवान तुमको ढेर सारा रुपया दे बेटा। चलो बाबा चलो, मैं भी सड़क पार करा देता। आ जाओ, आओ मेरे साथ। ऐसे प्राणी बहुत कम है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आ जाओ आ जाओ। क्या है लग आ गई क्या? चलो, बस बस बेटा मेहरबानी। अब तुम जाकर कहीं और पुण्य कमाओ, जाओ। चलो बाबा थोड़े पैसे लेते। नहीं नहीं बेटा, मैं अंधा हूँ, कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए था मिल गया। अरे बाबा मैं भीख थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो अपनी खुशी से दे रहा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे मेरा बटुआ अभी तो मेरी जेब में था। सेठ जी, किसी अंधे को सड़क पार करवाई थी। अरे हाँ, अभी अभी तो सड़क पार। अरे क्या पीछा करोगे मेरा? भाई तुमने किसी अंधे को भागते हुए तो नहीं देखा? पागलों को है क्या, अंधा भी कभी भागता है? अरे भाई वो सचमुच का अंधा नहीं था, वो मेरा पॉकेट मार कर ले गया है। अरे पॉकेट उसने मेरी भी मारी है भाई साहब। हैं तो क्या तुमने भी सड़क पार करवाई थी? अरे तो दोनों दोनों पकड़ो कोई ले गया। अरे ये तो अपना शेखर लगता है। ओ मियाँ कानून चंद आप हैं, आइए आइए। जी जी मेरा बटुआ। आपका बटुआ? हाँ हाँ, निकाल लीजिए निकाल लीजिए। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं आप, जरा यहाँ आइए। साले अंधा बन के लोगों को बेवकूफ बनाता है ऐसा लगता। क्या कर रहा शेखर, अपने बचपन के दोस्त को मारेगा तू? बचपन के दोस्त? हाँ, मैं दिलीप। दिलीप क्या तू ऐसा नीच काम करता है? मैं तेरे को बाद में समझाऊंगा, पहले भाग यहाँ से। लेकिन कहाँ यार, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। लेकिन आजा आजा चल। अरे चंदा क्या कहा डॉक्टर ने? अरे केवी के, अबार तक तो तपास ही चालू है, या दवाइयां लिखकर दियो है। कम से कम 40-50 रुपए लगेगा इन दवाइयों में। मारी तो समझ में नहीं आवे कि अपन कबार तक ही का इलाज कर सकांगे। अरे तू क्यों फिकर करती है, अपने पास पैसों की कमी है क्या? बोल कितना चाहिए, बोल 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 बोल। मैंने मालूम है के कर लायो है, इन पापी कमाई से जो तन्ने इलाज करना है ना, तो थे जाके दवाई लाओ। पर मारी एक बात याद रखो, बच्चा भगवान का रूप होवे है, ये पापरी कमाई से इका इलाज करोगे ना तो कभी नहीं फलेगी। ओहो तू तो जानती है चंदा, किस मजबूरी से मैं धंधा करता हूँ। अब तू ही बता मैंने कितनी कोशिश की, काम मिला क्या अभी तक मेरे को? मैं एक बात कहूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आपका इससे काम चल जाए तो ले लीजिए। हाँ ले ले ले, ले। वो तेरे को बताना भूल गया, ये मेरे बचपन का दोस्त शेखर। नमस्ते। ये चंदा। नमस्ते अंकल। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। प्यारा है तभी तो भगवान ने इसको तकलीफ दी है। ऐसो के कबो हो, सब ठीक हो जावेगो, पर थे तो सुधर जाओ। ओ भैया थे तो इना के दोस्त हो, इना के समझाओ। ये ठीक कहती यार। हाँ हाँ मैं समझता हूँ यार, ये तो बोलती रहती है। अच्छा ठीक है, तू खुश रह, मैं हेरा फेरी छोड़ दूंगा। ठीक है याद रख जो। मैं चलू हूँ,
फेरी को बखत हो गयो। हाँ अच्छा अच्छा भैया अच्छा, अब तो समझ गया शेखर, अच्छी खासी आंखें होते हुए भी मैं अंधा क्यों था। यार ये बच्चा तेरा कौन लगता है? तू तो जानता मेरी एक विधवा बहन थी, वो तो चल बसी, ये बच्चा छोड़ गई। लगता तो बिल्कुल ठीक है, इसको बीमारी क्या है? बीमारी? हमको इन रईस लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े मकान तो नहीं मिलते, बड़ी बीमारियां जरूर मिल जाती है। खैर जाने दो, आओ हम तुमको अपने दौलत खाने में ले चलते हैं। ये है हमारा दौलत खाना, आजा आजा, तो ऊपर आजा। है? क्या हुआ? ये कुत्ता? अच्छा तो यहाँ हेरा फेरी? अबे ये हेरा फेरी नहीं है भाई, तुमने बम्बई में बीएसटी का नाम सुना है? उसका मतलब बेस्ट नहीं है तो? बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, उसी तरह डी से दिलीप, ओ से ओम प्रकाश एंड जी से गणेश, तीनों मिलके क्या हुआ? डॉग। और अब तुम आ गए हो तो शेखर का एस, बीवेयर ऑफ डॉग्स, हम कुत्तों से सावधान, हमको भूल के उधार मत देना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। ऐसी है ना उधार तुम आइए, तो इसलिए आपने ईमानदारी का बोर्ड लगा रखा है? बिल्कुल, पधारिए पधारिए। अबे लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको आपकी असली मालकिन से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मेरी भतीजी मिस माला माथुर। आज से इस दफ्तर की सारी जिम्मेदारी यही संभालेंगी। जिस तरह आप लोगों ने ईमानदारी और मेहनत से मेरे साथ कोऑपरेट किया है, उम्मीद है कि इनसे भी उसी तरह कोऑपरेट करेंगे। सर्टेनली सर, ये तो हमारा फर्ज है, बल्कि आप ये कह के हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए। कम माला, माला बेटी, तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद से आज तक इस खुशी को मैं संभालता रहा, लेकिन इसकी सही हकदार तुम हो। आज तुम्हारा हक तुम्हें सौंप कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्लीज सिट डाउन, सिट। नो अंकल, प्लीज डोंट एम्बैरस मी, मैं वहां बैठती हूँ, आप यहाँ बैठिए। नहीं नहीं बेटी, तू नहीं जानती, इस दिन के लिए मैंने तुझे जर्मनी भेजा था, आज तुम्हें यहाँ बैठे देख कर मुझे मुझे कितना फक्र होगा। सिट डाउन, सिट। दैट्स राइट, चलो मैं तुम्हें अपना फैक्ट्री दिखाता हूँ। दिस इज द पास्टराइजिंग डिपार्टमेंट माला बेटी, दिस इज द ऑटोमेटिक पास्टराइजर, यहाँ काम करते हैं 200 वर्कर्स। एंड दिस वे टू। गुड मॉर्निंग दीपक। गुड मॉर्निंग सर, ये डिलीवरी चलाने इस पर साइन कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज से दस्तखत करेगी माला बेटी। प्लीज, थैंक यू। नाउ दिस वे टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आओ बेटी। अरे कहाँ हो तुम? यही तो हूँ मैं। ये लो, समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया सरकार। जल्दी चलो, जल्दी करो, चलो। हरी अब, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। रुको रुको, चलो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, असली माल नीचे उतारो और नकली माल चढ़ा दो जल्दी से। मुंशी तोतारा, आज का ये ऑर्डर किसने पास किया? अपनी कंपनी की नई मालकिन माला देवी ने। माला? ऑफिस संभालते ही बेवकूफ बन गए। चलो जल्दी करो, क्या चीटियों की तरह काम करते हो? जानते हो, 4 महीने का किराया सर पे चढ़ गया है और मैंने भी अपना धंधा छोड़ दिया है, साला ये मकान मालिक। घबरा मत दिलीप भाई, आज मेरी एक न एक कहानी तो बिक ही जाएगी और मुझे भी किसी 5-स्टार होटल में हेड कुक की नौकरी मिल ही जाएगी। चलता हूँ आज। MBBS MBBS? अरे मेंबर तो बेकार भटकन सोसाइटी, एक वो कहानीकार बनना चाहता है, दूसरा बावर्ची। लेकिन यार तूने ये नहीं बताया कि तेरे भांजे मिठू को बीमारी क्या है? दिल की बीमारी है, दवाओं पर बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ऊपर से ये बेकारी। अगर चंदा नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। चंदा बहुत अच्छी लड़की है। सच्ची बहुत अच्छी लड़की है, मिठू को तो मां से भी ज्यादा प्यार करती है। देखो फेरी पर गई है, साथ में ले गई उसको। सुनो सुनो
नहीं नहीं तू गाना बहुत अच्छा गाती है, इसके लिए मेरे तरफ से इनाम ले। हाँ ले ले चंदा, साहब खुश होकर तुझे बख्शिश देवे है। इनमें थारी भी कुछ दलाली है के? शरी नटखट कहीं की। तो फिर के चंदा नाचने गाने वाली है, पुराणो लेवे है तो नवो देवे है, होकर तो बख्शिश को नहीं लेवे। अरे समझती क्यों नहीं, सम होने वाले बच्चे की। अरे अपना साहब भी तो पुराना है। साहब तो पुराना नहीं लगे, पर इनके कपड़े जरूर पुराने लगे है। बोल उतार दे तो इसके बदले में थारे जितना एक बड़ा चमचा दे देंगी। चल मिठो। साहब आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मैंने भी समंदर में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों की दलाली की है हुजूर। ये तो खाड़ी में चलने वाली कश्ती है, कसम होने वाले बच्चे की एक दिन खुद ही चली आएगी बिना भाव के। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। कुछ पेपर्स आपको साइन करने हैं। इसमें जो रेट्स लिखे हैं वो सब क्या ठीक है? जी हाँ, कंपनी के पुराने एजेंसी से मैंने कोट किए हैं। उस एजेंसी का लेटर है आपके पास? जी हाँ, अंकल को भी मालूम है। यू वांट देम? नो दैट्स ओके। थैंक यू। सुनिए आप अकेले हैं, आपने किसी पुलिस वाले को देखा? मैंने नहीं देखा। तो यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? पुलिस स्टेशन वो तो निकाल बटुआ। हमारे आपस का मामला है, चल पीछे। आपस का मामला, चल निकाल। दे रहा हूँ, अरे जल्दी निकाल बटवा। अबे निकालता है नहीं निकालता है? थैंक यू सर। राइट, चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। कहाँ रहते हो तुम लोग? नहीं हम तो थोड़ा यही पास में। चलो मैं अपनी गाड़ी में छोड़ दे। नहीं पैदल चलो, तकलीफ करते हैं हम। गाड़ी है ना अपनी, चलो। ठीक है चलो। ड्राइवर क्या नाम बताया अपना? जी मेरा नाम दिलीप है। और मेरा नाम शेखर। काम धंधा क्या करते हो? जी फिलहाल तो दोनों बेकार हैं। अभी कुछ ही दिन हुए मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे पिताजी मिस्टर प्रेम सिन्हा कॉस्मेटिक्स के बहुत बड़े व्यापारी थे। प्रेम सिन्हा? पटना वाले प्रेम सिन्हा तो नहीं जिन्होंने दिल्ली में कारखाना डाला था? जी जी वही वही। लेकिन आप कैसे पहचानते? वो मेरे अजीज दोस्त हैं। तो तुम उनके बेटे हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? जी उनके पार्टनर्स ने धोखा देकर एक दिन फैक्ट्री में आग लगवा दी और इसी सदमे से उनकी मौत हो गई। बड़ी अफसोस की बात है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू सर। थैंक यू। ड्राइवर या इधर रुक दो, इधर। बस लोग यहाँ रहते? बस जी आप लोग यहाँ रहते, वो सामने। ड्राइवर साहब बैठ बैठ। बस बस रुक रुक। थैंक यू। आजा भाई। वेलकम शेखर, आजा। थैंक यू सर, हम लोग इधर ही रहते हैं। इधर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मिलेंगे। बाय बाय बाय। चलो अबे इधर वहां का। ओहो मैं बेवड़े में थोड़ी हूँ यार। तो आपको डेढ़ महीने की छुट्टी चाहिए? जी मैं माँ बनने वाली हूँ और आप तो जानती हैं औरतों के लिए ये कितनी खुशी की बात है। नॉनसेंस, डेढ़ महीना आपके यहाँ ना आने से ऑफिस का कितना नुकसान हो सकता है। मैं पूछती हूँ अगर आप लोगों को शादी करके बच्चा पैदा करने का इतना ही शौक है तो ऑफिस में क्यों काम करते हैं? पढ़ लिख कर डिग्रियाँ क्यों ले लेते हैं? घर में बैठ कर चपातियाँ क्यों नहीं बेलती? यू आर जस्ट राइट मैम, मेरे ख्याल से औरतों की जगह दफ्तर नहीं घर है। मिस्टर दीपक औरतों को इतना कमजोर मत समझिए। आई एम सॉरी मैम। मिस लता इस बार मैं छुट्टी दे देती हूँ, लेकिन याद रहे
Next time I will not tolerate such nonsense. Thank you. अरे अंकल, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही। देखो माला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। औरत जब मां बनने वाली होती है ना, तो एक देवी नजर आती है। बच्चे का जन्म इस संसार की सबसे खूबसूरत घटना है, कोई बेहुदा हरकत नहीं। ओ अंकल, आप शायद हमारे सेक्रेटरी लता के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल अंकल, मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ है जो बचपन से यही सीख कर बड़ी होती हैं कि जवान होकर शादी करो, अपने पति को देवता मानो, उसके बच्चे पैदा करो और फिर उसकी सेवा करते करते मर जाओ। छी, ये भी कोई जिंदगी है भला? तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती। शादी जरूर करूंगी, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। आज जमाना बदल चुका है अंकल, आज की औरत अनपढ़ और गवार नहीं। अब आप ही बताइए अंकल, ऐसा कौन सा काम है जो मर्द कर सकता है और औरत नहीं? ऐसे बहुत से काम है जो सिर्फ मर्द ही कर सकता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में आने वाले मर्द से तुम किस तरह का बर्ताव चाहती हो? आज तक हमारे समाज में जो कुछ होता आया है उसका बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तक जो काम औरत अपने मर्द के लिए करती आई है, वही काम मेरी जिंदगी में आने वाला मर्द करेगा। ये कैसे हो सकता है? स्टूपिड गर्ल, तुम्हारे लिए बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल फैमिली से रिश्ते आएंगे, बड़े बड़े खानदान तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहेंगे, तुम्हारी शर्त कोई इज्जतदार मर्द नहीं मानेगा। अंकल, क्या ये जरूरी है कि मुझसे शादी करने वाला इज्जतदार हो? कोई जरूरतमंद गरीब भी तो हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अंकल आप एक की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगी कितने बेवकूफ लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आई विल शो यू अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। चाय तुम लाई हो? अंकल आपने आज की स्पेशल न्यूज पढ़ी? तो क्या हुआ, कहीं एटम बम फट गया क्या? हाँ कुछ ऐसी बात है। ये जरूरत है एक खूबसूरत विलायत में ऊंची शिक्षा पाई हुई लड़की के लिए एक ऐसे मर्द की जो एक हिंदुस्तानी नारी की तरह अपनी पत्नी की सेवा करे। पोस्ट बॉक्स 909। ये एडवर्टाइजमेंट तुमने दी? जी हाँ। ओह माय गॉड, आपने कहा था ना कि ये नहीं हो सकता है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी। अरे ये तो अच्छा खासा मजाक हो जाएगा, लोग सुनकर हंसी उड़ाएंगे। स्टूपिड। इस बात की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डैडी और आपकी इज्जत का ख्याल आपसे ज्यादा मुझे है। मेरी पसंद का लड़का पढ़ा लिखा, इज्जतदार और खानदानी होगा, और जो लड़की इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनकी चाल चलन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह मालूम कर लिया है। अंकल आपने जो मुझे इतना फ्रीडम दिया है, आई होप आप इस बात पर भी मुझे नहीं टोकेंगे। माय गॉड, प्लीज अंकल। मैं कहता हूँ ऐसा गोल्डन चांस अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए प्यार। अगर ये रिश्ता हो गया ना आपका, तो हम सबकी लाइफ बन जाएगी आखिर। अरे हम फर्नीचर से फर्नीचर बन जाएंगे सब लोग। रसोई धुलाई कढ़ाई सब मैं सिखा दूंगी। इन्हें घबराने की क्या बात है? अरे क्या बकवास है, पता नहीं कौन से सर फिर लड़के ने इश्तहार दिया है। अरे प्यारे, हमारे लिए नहीं तो कम से कम मिट्ठू के लिए तो सोच। मिट्ठू के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी गुलामी हर किसी नहीं कर सकता। अरे यार इसमें गुलामी सिर्फ मिट्ठू के इलाज के लिए ही नहीं, मेरी इज्जत के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा शेखर। अंकल, जिस लड़की के बारे में तुमने अखबार में पढ़ा है वो मेरी इकलौती भतीजी है। स्टूपिड गर्ल, वो जिद में आके ये नादानी कर रही है। अगर कोई गलत आदमी उसकी जिंदगी में आ गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तुम एक अच्छे घराने के लड़के हो, इस वक्त तुमसे अच्छा मददगार मुझे कोई नहीं मिलेगा। मगर अंकल मुझे करना क्या होगा? वही जो माला चाहती है। She's a proud girl, जिद्दी है, तेरे उसे रास्ते पर लाना पड़ेगा। और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तूने आज के पेपर में मेरा एड देखा? नहीं तो? मैंने अंकल को चैलेंज किया और मैं क्लब की लड़कियों को प्रूव कर दूंगी कि हम औरतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं। नहीं माला, हम औरतें हमेशा मर्दों से कम रही हैं। ओह गॉड, तू तो आज भी पुराने जमाने की बातें करती है, तेरा मॉडर्न आउटलुक नहीं है? मैं तो वही पुराने हिंदुस्तानी विचारों को मानती हूँ। नॉनसेंस, चेंज विद द टाइम शांता। कल से कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आने शुरू हो जाएंगी। देख अगर तू सच्ची मेरे बचपन की सहेली है ना, तो इस मामले में मेरी मदद कर। अच्छा बाबा, मैं कल आ जाऊंगी।
तू ही जीते हाँ? आपने विचारों की बहुत पक्की है। That's a good girl. Let's go. जी? अरे, ये not bad. क्या नाम है? रजनी का? नहीं, नाक टेढ़ी है. टेढ़ी? ठीक है. नहीं. अरे बाबा, इनसे मिलिए, शादी करने चले. अरे ये not bad. क्या नाम है? नाम क्या? अच्छा तुम दीवारों की तस्वीरें आ गई, कोई पसंद आया तुम्हें? अभी तो देख रही हूँ. मैं भी देखता हूँ. देखो ना, एक ही तस्वीर है. नहीं रे, ये चश्मा है बाबा, थोड़ी से अंधा है ना, ये वाला अच्छा है. वाह वाह वाह, ये लड़का तो बहुत ही शरीफ और खानदानी लगता है. देखो देखो देखो, हाँ ये अच्छा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं. था इसमें था. नॉनसेंस, आउट. शांता, नेक्स्ट कैंडिडेट. घनश्याम दास कौन है? आप आइए. आइए. आपका नाम? जी घनश्याम दास. मम्मी मुझे प्यार से घन्नो कहती है. आप चाहें तो शादी के बाद घन्नो की बजाय बन्नो कह के बुला सकती हैं. ठीक है ठीक है. पहले ये बताइए, आपको घर के सारे काम काज आते हैं? जी हाँ, चूल्हे चौके से लेकर झाड़ू कटके तक. अच्छा, आपका फेवरेट डिश? ऑनियन उत्तपा. ऑनियन उत्तपा, ये क्या होता है? ये चांद की तरह गोल, सूरज की तरह गर्म, आपकी तरह नरम और मेरी तरह बेशर्म होता है. बहुत ही घटिया ख्याल आते हैं आपके. आप जा सकते हैं. नेक्स्ट पियोन, नेक्स्ट कैंडिडेट. आप आइए. नमस्ते बालाजी, मुझे सुरेश कुमार झटपट कहते हैं. झटपट? क्या ये आपका सरनेम है? जी नहीं, ये तो मेरा तखल्लुस है. मैं तो शायर हूँ, शायर. आपको घर के सारे काम काज आते हैं? जी हाँ, उस पर तो मैंने एक शेर लिखा है. शेर मत सुनाइए प्लीज. खाना पकाना आता है? उस पर तो मैंने एक लंबी नज्म लिखी है, कहें तो पेश करूँ? शांता. यस. Out. मैं तो जाते जाते जाने जाना आपका दिल ले जाऊंगा. नेक्स्ट. नमस्ते जी. ओ, चल गई. क्या चल गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अशीम कुमार है. सॉरी, फिर चल गई. ये क्या बदतमीजी है? फिर चल गई. क्या मतलब? दरअसल बात ये है कि जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ ना, तो ये आँख अपने आप चलने लग पड़ती है. तो एक काम कीजिए, आप भी यहाँ से चलते बनिए. शांता. क्या? नेक्स्ट. नेक्स्ट. आप आइए. जी नमस्ते. नमस्ते. क्या नाम है आपका? शेखर. क्वालिफिकेशन? जी ग्रेजुएट. सर्टिफिकेट दिखाऊं? जी नहीं, बाद में देख लें. घर का सारा कामकाज जानते हो? जी हाँ. खाना पकाना जानते हो? मटन चॉप, मटन बिरयानी, मटन करी, मटर पालक, पालक पनीर, आलू गोभी, मलाई कोफ्ता. बस 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 बस. एग्रीमेंट की सारी शर्तें जानते हो? जी नहीं, अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. तो सुनो, क्लॉज नंबर वन, दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता लोगों के सामने सिर्फ दिखाने के लिए होगा, मगर घरेलू जिंदगी में एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे. मंजूर है? जी मंजूर है. ओके. क्लॉज नंबर दो, पति पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाएगा, लोगों के सामने एक फुट और अकेले में कम से कम 6 फुट की दूरी से बात करेगा. मंजूर है? जी. क्लॉज नंबर तीन, पति को एक आदर्श पत्नी व्रता बनकर उसके सारे काम करने पड़ेंगे, उसी तरह जैसे एक हिंदुस्तानी पति व्रता अपने पति की सेवा करती है. मंजूर है? जी हाँ. क्लॉज नंबर फोर, पति को एक घरेलू आदमी बनकर पत्नी के सारे गेस्ट को एंटरटेन करना होगा. मंजूर है? जी. क्लॉज नंबर फाइव, पति अपने पत्नी की इजाजत के बगैर बाहर का कोई काम नहीं करेगा और ना ही वो कहीं बाहर आ जा सकता है. मंजूर है? जी हाँ. क्लॉज नंबर सिक्स, घर के जरूरी खर्च के अलावा पति को पत्नी से 1,000 रुपये महीना जेब खर्च मिलेगा और हफ्ते में 12 घंटे छुट्टी भी मिलेगी. लेकिन जेब खर्चे के पैसे से पति शराब और सिगरेट नहीं पिएगा,
मंजूर है? जी मंजूर है। क्लॉज नंबर 7, ऊपर लिखी हुई शर्तों को अगर पति तोड़ेगा तो पत्नी बिना नोटिस दिए किसी भी वक्त उसे घर से बाहर निकाल सकती है। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। वेरी गुड, आप भी काफी समझदार लगते हो। What do you think, शांता? He is absolutely fit for the job. I think so too. साइन करो। ये लो। आप नीचे यहां दस्तखत कीजिए। Yes, that's right. मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मैं आज से आप लोगों को कानूनन पत्नी और पति घोषित करता हूँ। थैंक यू। माला। आज मैं भगवान को साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि आज से शेखर कुमार सिन्हा नहीं बल्कि शेखर माला माथुर बनकर ईमानदारी से अपना पति धर्म निभाऊंगा। पत्नी और ससुर की सेवा करना और कुल की लाज निभाना, ऑल द बेस्ट टू यू। लवली लवली, एवरीबॉडी आउट। आइए 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 जल्दी चलो। आइए आइए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो पिताजी, मुबारक हो। मुबारक हो, उधर का दर्द है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिस तरह की तुम चाहती थी उस तरह की शादी भी आज तुम्हारी हो गई। बेस्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू अंकल। आज से हमारी फैमिली की रेपुटेशन तुम दोनों के हाथ में है। सोसाइटी में हमारी जो इज्जत बनी हुई है उसे मेंटेन करना। कहीं ऐसा ना हो कि ये एग्रीमेंट की शादी एक मजाक बन जाए। ओफो अंकल, किसी को क्या मालूम कि मैंने ये शादी एग्रीमेंट पर की है। बाहर तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे और घर में हम लोग कैसे रहेंगे किसी को क्या मालूम। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपके खानदान की रेपुटेशन कभी खराब नहीं होगी। एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। आई थिंक यू बेटर गो एंड टेक रेस्ट। ओके अंकल, आप मुझे सिर्फ एक साल का मौका दीजिए। जो मैंने आपसे कहा था ना उसे मैं साबित कर दूंगी, और अगर एक साल के अंदर अंदर मैं साबित नहीं कर सकी तो आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। एक्सलेंट, इस शादी की खुशी में मैं एक शानदार पार्टी अरेंज करता हूँ। माला जी, आपको और शेखर को अंकल ने नीचे बुलाया। शेखर कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। यहाँ नहीं आया? तू कहाँ गया? लॉन में होगा। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। He is not my husband. ये फटीचर हस्बैंड कब से बन गया? कौन फटीचर डाली? ये जो हस्बैंड बन के खड़ा है। ओह डोंट वरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज अस। ये क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा? मैंने सोचा कि एग्रीमेंट की क्लॉजेस की शुरुआत आज ही से कर दूं। देखिए ना, क्लॉज नंबर 4 में साफ साफ लिखा है कि पति पत्नी के गेस्ट को एंटरटेन करेगा। मैंने शुरू कर दिया। ये एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं है? Please come change your clothes. अच्छा। अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, शुक्रिया आपका जो आपने सरकार दिया, अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया।
पहले होती नहीं थी यारों ऐसी यारी, अब तो प्यार के भी मिल जाते हैं व्यापारी। पहले होती नहीं थी यारों ऐसी यारी, अब तो प्यार के भी मिल जाते हैं व्यापारी। दिल लगाए कहीं घर बसाए कहीं, देखिए आज चल के हंसी। अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, शुक्रिया आपका जो आपने सरकार दिया। अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, ऐसी भी क्या बेरुखी है? आज तो हमारी सुहागरात है। What? सुहागरात है? एग्रीमेंट की शर्तें भूल गए हो क्या? आ, नहीं नहीं बिल्कुल याद है। शर्त नंबर दो, पति पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाएगा। लोगों के सामने एक फुट की दूरी से और अकेले में कम 6 फुट की दूरी से बात करेगा। ठीक है तुम्हारा बेडरूम उधर है। मेरा बेडरूम उधर और आपका बेडरूम इधर, यानी कि पत्नी इधर और पति उधर। बकवास बंद करो, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। सुनो माला, क्या है? चुपचाप खड़े रहो। अच्छा अरे ये क्या कर रहे हो? मौके का फायदा उठा रहा हूँ। ये मौका वो मौका नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सही मौके का इंतजार करूंगा। अब तुम जा सकते हो। ये क्या, कभी बादल कभी बिजली, कभी सीता कभी गीता, कभी शबनम तो कभी ओला। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, देख रहा हूँ। बहुत देख लिया, अब तुम जाकर सो जाओ। अच्छा जाओ, गुड नाइट। बड़े बेआबरू होके तेरे कमरे से हम निकले। वो माला ना सही, ये माला ही सही। माला क्या
Have a drink and be relaxed. इतना टेंशन करने की क्या जरूरत है? टेंशन की तो बात है रिंकी, वो साला फटीशर आदमी जो कल तक मुझसे काम मांगता फिरता था, आज मेरा ही बॉस बन बैठा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, माला जैसी तेज और होशियार लड़की उस आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई? वाकई वो बहुत चालाक आदमी लगता है। उससे हमें होशियार रहना चाहिए, वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी पहुंच कहां तक है इसका हमें पता लगाना चाहिए। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, आई विल सी टू इट। दिलीप, दिलीप, शेखर की शादी हो गई क्या? हाय, अरे क्या बताऊं, इतनी धूमधाम से शादी हुई है चंदा। ओए ओए, अपना शेखर बड़ा तकदीर वाला है। क्या खूबसूरत हस्बैंड मिली है। के? अरे बीवी बीवी। चलो अच्छा ही होयो, मिट्टू के इलाज के लिए पैसे की मदद तो होगी। नहीं, वो तो होगी ही। चंदा, मैं सोच रहा हूँ कि अपना भी एग्रीमेंट कर ही डालें। के मतलब? अरे जैसे माला और शेखर का हुआ वैसे ही, वैसे ही। शर्म को नहीं आवे? ले, शर्म कैसी प्यार में? तू मेरे को प्यार नहीं करती क्या? सच्ची बोल बोल बोल। कोई आ जावे गुना। अरे आने दे, पहले कोई धंधो तो करो। अरे हम में से एक तो पार हो गया, अब अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें क्या है। दिलीप, अब शेखर के कर रही होगो? मौज कर रहे होगो साड़ो। एक है पत्नी सेवा। क्यों? जब मेरे पूज्य पिताजी भोजन ग्रहण किया करते थे, तब मेरी पूजनीय माता जी इसी तरह पंखा झलती हुई पति सेवा में लीन हो जाती थी। इस घर में ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो। जी नहीं, मैं एक आदर्श और पत्नी व्रत आदमी हूँ, पहले आपको भरपेट खिला लूँ, उसके बाद रसोई में जाकर अकेला खाऊंगा और खूब डट के खाऊंगा, जैसे कि हर हिंदुस्तानी नारी करती है। ठीक है ठीक है, आइए। ये लीजिए। थैंक यू। अब मैंने अपने हाथों से आपके सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए। बहुत अच्छा किया। सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, नौकरों का हाथ का बना हुआ खाना खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ। तो ऐसा करना, अपने हाथों से खाना बनाकर ऑफिस भेज देना। जी बहुत अच्छा। ओके। खाना मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया होगा, मर गए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक छोटी सी अर्ज है। क्या है जल्दी बोलो। मैं कह रहा था कि वो अगर ओफो, बताते क्यों नहीं? शर्म आती है, लेकिन आज ये कहना होगा, अब तो हमें आप ही के पहलू में रहना होगा। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने घर में नया नया ब्याह कर लाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लंच टाइम में आप घर आ जाएं, मुझे गाड़ी में बैठा कर ले जाएं, बंबई शहर में घुमाएं फिराएं और फिर किसी बड़ी फाइव स्टार होटल में लंच खिलाएं? लंच खिलाएं? जी। फाइव स्टार होटल जी। मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर होटल में खाना होता तो तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? आज से मेरा खाना तुम बनाओगे, समझे? जी बहुत अच्छा। अगर बुरा ना माने तो क्या है, कम से कम एक गुड बाय किस तो देती जाइए। खाना बनाना पड़ेगा, अजीब है, क्या मुसीबत है। घोड़ा मार दिया? हाँ मार दिया, मगर अब वजीर मुसीबत में है। वजीर की मुसीबत छोड़िए अंकल, आप मेरी मुसीबत के बारे में सोचिए। क्यों, क्या हुआ? आपकी लाडली भतीजी अभी अभी वार्निंग दे गई है कि आज से उसका खाना मैं अपने हाथों से बनाऊं। इसमें परेशानी की क्या बात है, बना दो खाना। बना दो खाना? अरे अंकल, मैंने अपने हाथों से कभी प्याज तक नहीं काटा, मैं मसाला वसाला कैसे भूनूंगा? अच्छी मुसीबत में डाल दिया अंकल आपने। इडियट। जी तुमको नहीं यहाँ। अरे घबराओ मत बेटे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ओफो अंकल, धीरे धीरे तो ठीक है, लेकिन वो ऑफिस में लंच भेजने को कह गई है। टेक इट इजी माय बॉय, बॉम्बे शहर है ना, हर मोड़ पे 10-10 होटलें खुली है, किसी अच्छी होटल में घुस जाओ और मटन करी, मटन चाप, मटन कुर्मा का ऑर्डर दे दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। गुड आइडिया, मगर अंकल अभी तो अपनी जेब बिल्कुल खाली है, बिल कौन देगा? अरे मेरे होते हुए तुम ये सब छोटे मोटे खर्चों की चिंता बिल्कुल मत किया करो। थैंक यू अंकल। मैम सब खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। आ
हाँ हेलो शेखर वाला माथा ने बनाया है तुम लोग तो जानते हो घर का सारा काम शेखर ही करते हैं एकदम से बेडरूम में बेडरूम हुआ तो क्या हुआ जहाँ तुम होंगे मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी अरे यहाँ एक कमरा और इस बेड पर सिर्फ एक ही तकिया क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो नहीं नहीं ये तो मेरी पत्नी का कमरा है मेरा कमरा तो वो है I see. पति उधर और पत्नी इधर that's a wonderful chance. देखिए इस वक्त मैं घर में अकेला नहीं हूँ मुझे मालूम है ये क्या कर रही हैं आप मेरे क्लब की सारी बेवकूफ लड़कियाँ माला की ऑफिस में चली गई है मौका पाते ही मैं यहाँ चली आई क्या दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं हाँ मुझे तो इन दोनों का रिश्ता कुछ अजीब सा लगा और शेखर का बर्ताव तो बिल्कुल कोई बड़े घर की बहू के जैसा था लगता है अपनी बीवी से बहुत डरता है रिंकी तुमने ये खबर सुनाकर मेरी तबीयत खुश कर दी अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं साला जोरू का गुलाम काश मुझे भी कोई जोरू का गुलाम मिल जाता जोरू का गुलाम अब इसलिए तो मैंने तुमसे शादी नहीं की और इसलिए मैंने भी नहीं की आप थकी हारी आई होंगी लीजिए चाय पी लीजिए और लगे हाथों ये बता दीजिए मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा बहुत अच्छा था मेरे क्लब की सहेलियों को भी बहुत पसंद आया आपकी सहेलियों ने भी खाया मैंने तो छोटे से टिफिन में खाना भेजा था आप जरूर भूख ही रही होंगी उनकी मुझसे तारीफ सुनकर मेरा पेट भर गया अच्छा मेरी तारीफ हुई तुम्हारी नहीं मेरी हुई क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी का सिलेक्शन किया जो घर का काम अच्छी तरह जानता है मुबारक हो मुबारक हो थैंक यू और इसी खुशी में हमारे क्लब की तरफ से एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा गया है तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा मगर याद रहे वहाँ तुम्हें एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह पेश आना होगा आप बिल्कुल मत घबराइए मुझे इसका पूरा पूरा ज्ञान है ठीक है अच्छा मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ कोई आया था था नहीं थी आपकी सहेली रिंकी रिंकी वो यहाँ क्यों आई थी अच्छा सुनो वो बहुत आवारा किस्म की लड़की है मेरे गैर हाजिरी में उसका यहाँ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है लेकिन एग्रीमेंट में तो लिखा है कि मैं आपके मेहमानों का मनोरंजन करूं ओ शट अप ओके बेटा शेखर गेट अप यहाँ शक और जलन दोनों मौजूद हैं और ये दोनों हथियार बड़े काम के लेडीज ओह आई एम सॉरी आई मीन एक को छोड़कर बाकी सब मेरी बहनों मिसेस एंड मिस्टर माला माथुर की इस नए स्टाइल की शादी औरतों की आजादी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है एडवेंचर से खुश होकर इस क्लब की तरफ से मिस माला को आदमी जैसे औरत का टाइटल दिया जाता है यू मीन मैन ट्रेडमार्क वुमन व्हाट मेरा मतलब है मर्द छाप औरत तालियां बहनों क्योंकि मिसेस आई एम सॉरी मिस्टर शेखर माला माथुर जो कि एक मासूम गाय जैसा आदमी है इसलिए हमारी क्लब के तरफ से इन्हें मैन लाइक गाव का टाइटल दिया जाता है ये तो मर्द है आई एम सॉरी गाय नहीं बैल जैसे आदमी है इसलिए इन्हें मैन लाइक बुल का टाइटल दिया जाता है अरे अरे मत जा वो बेचारा बहुत शर्मिला है बाप रे ये क्लब है ये क्षेत्र मक्खियों का छत्ता ओहो व्हाट अ लकी स्वीट फेस एक साथ कितने सारे स्वीट लिप्स अपने निशान छोड़ गए हैं बड़ी याद आया उस दिन ऐसा खाना बनाया था कि हाथ चूमने को जी चाहता है वो तो सब करी पत्ते की झोल झाल है करी पत्ता आप लोग नहीं जानते शाकाहारी हो या मांसाहारी हर भोजन करी पत्ते के बिना अधूरा है जैसे कि नमक बिन दाल दाल बिन भात भात बिना बंगाल बस
अरे पर माला, अगले संडे कुकिंग कॉम्पिटिशन है, तुम क्या बनाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, क्या बनाऊंगी? रमालू। अरे हाँ, अगले संडे हमारे क्लब में कुकिंग कॉम्पिटिशन है, तो मुझे दम आलू बनाना सिखाओगे? अरे दम आलू तो क्या, मैं आपको भालू बनाना भी सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे एक बार बताएंगी कि आपकी क्लब की औरतें जब बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं तो काटने के लिए चूमने के लिए क्यों दौड़ती हैं? ये उनका कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। क्या आप मेरी खूबसूरती को मेरा कसूर कहती हैं? खूबसूरत तुम नहीं, तुम्हारा ये सूट है। आइंदा से ख्याल रहे, मेरे साथ ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मत आना। और सुनो, तुम अपना ये बालों का स्टाइल भी चेंज करो। अगर आप कहें तो मैं बीच की मांग निकाल लूं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी डाल दूं। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओफो, पंचर हो गया। शर्मों की तरह बैठे बैठे क्या देख रहे हो? इतना डिफिकल्ट काम एक लड़के का हाथ नहीं बटा सकते? अरे शेखर, हाथ बटाना तो क्या, गला भी कटवा सकता है। लेकिन ये आपकी एग्रीमेंट की क्लॉज नंबर 5 बड़ी टेढ़ी है। लिखा है घर से बाहर के सारे काम पत्नी किया करेगी और जनाना काम सारे पति किया करेंगे। ओफो, ये काम वो काम नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी कर देते। प्राण स्वामिनी गज गामिनी, भोर हो गई है, उठिए और चाय का पान कीजिए। गुड मॉर्निंग। तुमने चाय पी ली? जी नहीं, हम तो पटना के लठबाज हैं, बिना दांतों के चाय तो क्या, हम वाई भी नहीं पीते। बहुत ही बैकवर्ड किस्म के आदमी हो तुम। तारीफ के लिए शुक्रिया, और जरा ये छोटा सा बिल देख लीजिए और तुरंत कुछ माल ढीला कीजिए। बिल? टायर बदलने की मजदूरी 5 रुपए, स्टेपने बदलने की मजदूरी 8 रुपए, हाथ पैर और मुंह काला करने का फाइन 5 रुपए, कपड़े की धुलाई 1 रुपया 12 आना, टोटल 19 रुपए 12 आने। जी हाँ, इसमें सेल टैक्स और इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं है। अजीब आदमी हो तुम, घर के छोटे मोटे काम करके उसके पैसे भी तुम मुझसे मांगते हो। सॉरी मैम, अगर आपकी और मेरे बीच एग्रीमेंट की कुछ शर्तें ना होती तो इस घर को अपना ना सही, अपनों का तो जरूर समझता। आपका और मेरा सिर्फ एक बनावटी रिश्ता है, मैं अपनी जरूरत के लिए मजबूर हूं और आप अपने दौलत के दम पे मगरूर हैं। मुझे तुम्हारी ये डायलॉग बाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये लो 20 रुपए, 19 रुपए 12 आने बिल के और 4 आने तुम्हारी बख्शिश।
थैंक यू। चलो जल्दी करो। डिलीवरी हो गया अनिल जी। अरे काम करो मेरा हम क्या। जल्दी करो चलो। बॉटलिंग लेबलिंग और पैकिंग सब कुछ बिल्कुल हमारे माल की तरह है अंकल। इस नकली माल की वजह से मार्केट में हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। नकली माल? जी हाँ, कंज्यूमर शिकायत कर रहे हैं और सारे एजेंसी हमसे बिजनेस खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। गुड गॉड, मुझे तो शक है हमारे ही कुछ आदमी गद्दारी करके गोडाउन से लेबल पैकेट और बोतलें चोरी करके उसमें नकली माल डाल रहे हैं और मार्केट में भेज रहे हैं। मेरे ख्याल से अंकल अपने पुराने गोदाम से सारा माल निकाल कर किसी सेफ जगह पे रखा देना चाहिए। Why not? अपने घर में इतना बड़ा तहखाना खाली पड़ा है, मैं कल ही सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ, अपनी निगरानी में रहेगा। I think that's a very good idea. चलो जल्दी लाओ, जल्दी उठा के लाओ, जल्दी जल्दी दूसरा लेकर आओ, उधर रखो रखो रखो, ये उठाओ ऊपर रखो ऊपर, जाओ तुम दूसरा पैकेट लेकर आओ, जाओ लाओ 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 रखो रखो। ये सब क्या हो रहा है साहब? माथुर साहब ने कहा है खाली बोतलें और लेबल घर के गोदाम में पहुंचा दे। चलो उठो जल्दी लाओ जल्दी लाओ, अरे जल्दी करो, मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी लाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्यों? इसलिए शक्ल पर एक भुलापन है और मुझे यकीन है कि यही भुलापन माला जैसी जिद्दी लड़की को सही रास्ते पर ला सके। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं माला के लिए रोज रोज खाना कैसे बनाऊं, आपको तो मालूम है। चुप्पी, तुम बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। तुम्हारी ये परेशानी दूर करने का बंदोबस्त मैंने पहले से कर लिया। पाकशास्त्र, पाकशास्त्र। दो चार दिन ये पढ़ लो और फर्स्ट क्लास खाना बनाने लगोगे। ठीक है अंकल। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। कोई हुकुम? तुम आज मुझे दम आलू बनाना सिखा रहे हो ना? दम आलू? हाँ। सिखा दूँगा। मैं चलने चलो, मैं भी आता हूँ। अच्छा। साला दम आलू बनाते बनाते मेरे बाप का दम निकल गया, मैं आलू कहाँ से बनाऊँ? पाक शास्त्र। एक किलो आलू में पाव किलो प्याज काट के इसको भून लें, फिर क्या मुसीबत। शेखर सब तैयार है? सब तैयार है, आइए पहले प्याज काट लीजिए। प्याज कट गई, अब इसको भून लीजिए। अब एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच हल्दी, हल्दी और नमक। नमक? हाँ। कितना? माफक 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 कितना? माफक अंदाज से, अंदाज से, अंदाज से। ये इतना? हाँ चलेगा। देखो रामू, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी आइए आराम से। Thank you.
अब पैर का दर्द ठीक है ना? ठीक है, सिर्फ चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। चलने फिरने से ठीक हो जाएगा, फिर मैं जो हूँ आपके साथ। तुमने रात रात भर जागकर मेरी देखभाल की। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे हम दोनों के ख्याल जरूर अलग हैं, मगर साथ रहते रहते एक दूसरे के दुख दर्द को भी समझना पड़ता है। उठिए, थोड़ा सा चल फिर लीजिए। आइए। शादी के इतने महीने हो गए, आज पहली बार तेरी मुंह से शेखर का नाम सुन रही हूँ। क्यों, क्या बात है? जो तू समझ रही है ना, वो नहीं, मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। देख माला, शादी का मतलब है घर और सुखी परिवार, पर तूने तो इसका मजाक ही बना रखा है। पर ऐसा कब तक चलेगा? देख शांता, तू तो जानती है मैं तुझे बचपन की सहेली समझ के तुझसे मिलने आती हूँ। अगर तू इस तरह भाषण देती रहेगी ना, तो आई वोंट कम एंड सी यू एनीमोर। मैं कोई भाषण थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो तुझे समझा रही हूँ। देख माला, मुझे देख, मेरे हस्बैंड भी काम करते और मैं भी, हम दोनों मिलजुल के घर संभालते। इसमें कोई छोटा बड़ा हुआ है कभी? और सुन, परिवार का असली सुख तो बच्चों से होता है। लगता है तू मेरे ख्याल ही बदल डालेगी। बदल भी जाए तो क्या है, आजादी का ये मतलब है क्या औरत मर्द अलग अलग रहे? अगर ऐसा होता तो रिश्ते कहाँ से होती? अरे भाई, मैं तो आई थी गपशप लगाने के लिए, तू तो शुरू ही हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चले, चाय नहीं पिएगे? अरे सबको याद है ना? हाँ हाँ। लेकिन सरकार हमारी पक्की नौकरी तो नहीं जाएगी। अरे नौकरी की कोई फिक्र करते हो, सिर्फ दो महीने की बात है, सबको एडवांस तो मिल गया ना? हाँ साहब। अबे इधर देख रहा है, शुरू जा। छुट्टी नहीं देंगे तो हमारे काम है। लेकिन मैं छुट्टी कैसे दे सकता हूँ? काहे नहीं दे सकते हैं सरकार, आप तो हमारे मालकिन हैं। अरे क्या बकता है? आप हमारा दुख दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? माई बाप, बाप माई बाप, माई बाप। क्या बात है शेखर, ये सब क्या हो रहा है? मालकिन हमारी माँ बीमार है, हमका दो महीने की छुट्टी चाहिए। और मालकिन हमारे घर में बर्तन बाद पहला बच्चा पैदा हो रहा है और हमें छुट्टी नहीं मिले थे। हाँ मालकिन, लेकिन तुम लोग सब एक साथ चले जाओगे तो घर में काम कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम अपने बदले में दूसरे नौकर दे के जा रहे हैं ना? अच्छा हा? तो फिर क्या बात है, जाने दो ना शेखर। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो जाओ। जय हो मालकिन, जय हो मालकिन, जय हो मालकिन। भगवान घर में इधर मालकिन देते। अरे चंदा तू आ गई, डॉक्टर ने क्या कहा? केवे के हमेशा की तरह इबार भी नाम की लंबी चौड़ी चिट्ठी धरती दवाइयों की, लेकिन हम ये दवाइयां खरीदेंगे कैसे? यही तो परेशानी है। उधर शेखर को देखो, जब से अमीरों के बीच में गया है हमको भूल ही गया सबको। दिलीप, ये तू क्या कह रहा है? दिलीप, मैं तुम लोगों को भूला नहीं, सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा था, और आज से तुम सब मेरे साथ रहोगे। सच सच के वे भाया? हाँ चंदा, लेकिन सबको नौकर बनके रहना पड़ेगा। नौकर बनके? तू समझा नहीं दिलीप, सिर्फ माला को दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं बनना। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मैंने अंकल से मीठू की इलाज की बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि सबको थोड़े दिन बाद नौकरी मिल जाएगी। प्लीज यू ठीक कह रहे दिलीप, मिठू की खातिर हाँ कह दे। हाँ हाँ, इतना बड़ा घर है, तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो, और किसी किस्म की जरूरत पड़ी तो मुझसे कहना। हाँ जी। और रही ये मीठू की इलाज की बात, वो सब तुम मुझ पर छोड़। क्या नाम है तुम्हारा? जी मारू नाम चंदा है, बीकानेर में रहती हूँ। ठीक है, वो सब की कोई जरूरत नहीं, अंदर सर्वेंट्स क्वार्टर है, तुम जाकर देख। जी। और सब तुम लोगों पर है, अपना काम अच्छी तरह से संभालना। आप घबराइए नहीं साहब, मैं तो पैदाइशी लेखक हूँ, जरा मौका आने दीजिए, ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। लेखक की औलाद, हम यहाँ कहानियां लिखने नहीं, काम करने आए हैं। काम? काम पे मुझे मुर्ग मुसल्लम याद आ गया। आपको मालूम नहीं, यहाँ आने से पहले मैं एक होटल में हेड कुक था। एक दिन मुर्गी भूनते भूनते मैंने पानी की जगह दारू दाल के दाने डाल दिए। ओ ये लोग सब कौन है? बेटी ये है तुम्हारे नए नौकर। नए नौकर? हाँ नए नौकर। ये है दिलीप, तुम तो पहचानती हो, शेखर का दोस्त। क्या नाम बताया? साहब गणेश। ओम प्रकाश। ठीक है नाम की कोई जरूरत नहीं। अरे चलो मालकिन को प्रणाम करो। मालकिन प्रणाम। आप में काम करो। चलो चलो काम करो, चलो काम करो। अंकल मैंने कुछ नया ऑर्डर्स भेजे, जाइए। Yes. शेखर, शेखर जी मालकिन, तुम्हारा नाम शेखर है? मारो नाम चंदा है। तुम कौन हो? मैं थारी नई नौकरानी। ओ, ये बच्चा किसका है? जी दीदी क्या कर रहे हो? देखती ना इस घर में कितनी कीमती चीजें पड़ी हैं। बच्चा खेलते खेलते कोई चीज तोड़ देगा तो? ये कोई चीज नहीं तोड़ेगा। बकवास बंद करो, अगर इस घर में काम करना है
तो शराफत से काम करो। अगर तुम्हारा ये बच्चा इस घर में फिर खेलता नजर आया तो तुम सबको बाहर कर दूंगी, समझे? दिलीप, चल दिलीप, अब मैं नेठे नहीं रह लो। क्यों, क्या हुआ? हम तो अट्ठे यह सोच कर आए थे कि मिट्टू के इलाज में कुछ मदद हो जाएगी, पर अट्ठे तो दांत फिटकार के सिवा कुछ नहीं मिलना। क्या बात कर रही है, किसने डांटा तुझे? घर के मालकिन ने, कह रहे कि बच्चा खेलता दिखेगा तो सबको बाहर निकाल दूंगी। कोई मन ने कुछ कहे तो मैं सुन लूं, और मिट्टू को कुछ कहे ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। हाँ ठीक है चंदा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब लोग यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, इसे तो अपना छोटा सा घर अच्छा, जहाँ आजादी से रह तो सकते हैं। चलो 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 दिलीप। शेखर, हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैंने सब सुन लिया दिलीप, मगर तू ये भूल रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए और मिठू के लिए कर रहा हूँ। जब तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? शेखर, तेरी बात और है, हम लोगों के लिए तू क्या तकलीफ सहेगा? हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोग जाओगे तो मैं पल नहीं ठहरूंगा यहाँ पर। चलने दो, अगर इसकी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी, चलो। तो तुम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया, ठीक है जाओ, मगर मैं तो तुम लोगों को अपना समझ कर यहाँ लाया था, इस भरोसे पर कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। मैं अकेले ही कोशिश करूंगा। देखो, मैं माला को बचपन से जानता हूं, जुबान की कड़वी जरूर है मगर दिल उसका बहुत साफ है। और फिर तुम लोगों से इस घर में चहल पहल है, इसे वीरान करके चले जाना चाहते हो, इसे अपना ही घर क्यों नहीं समझते हो? मेरे ख्याल से अंकल ठीक कह रहे हैं दिलीप। क्यों चंदा? जैसे तुम सब ठीक समझो। भरवा मूली बनाने का बेहतरीन तरीका। वाह 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 वाह, क्या बात, मोटी मोटी नरम नरम मूली लेकर पानी में उबाल, जैसे लैला की उंगलियां। लेडीज फिंगर। अबे तू मूली में भिंडी कहां से घुसेड़ रहा है यार? भिंडी, लेडीज फिंगर। हाँ, मूली बनानी, मूली मूली मूली। तो मैं कह रहा था हाँ जी कि पतली पतली मूली को कतर के पानी में उबाल। पतली पतली मूली को कतर के पानी में उबाल लो। उबाल लो, उसके बाद घी गरम करके थोड़ी सी हींग भून लो। हाय 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 हाय, बहुत दिनों के बाद आज असली घी सूंघने को मिला है। घी? हाँ, फिर सूखा पुदीना अनारदाना पीस कर मसाले के साथ मूली में ऐसे भर लो जैसे झूली। झूली? अरे मूली में झूली कहाँ से घुसेड़ रहा है? अरे गुरु, झूली नहीं, मूली। हाँ मूली, मूली रूबी। अरे रूबी नहीं, गोभी। अरे यार, मूली में गोभी कहाँ मिला रहा है? अरे यही मिला रहा है यार, मूली मूली। हाँ। अरे बड़ी मिस दुर्गा, तुम भी आया है? बड़ी आएंगा नहीं तो क्या जाएंगा? अरे मिस बाटली वाला, मिस सूरत वाला, आप सब, आप सब यहाँ एकदम से। Isn't he handsome? मरी जाओ रे। अरे I'm sorry, अचानक आ गए आप लोग यहाँ। गुरु, तुम तो हमको ये शिक्षा दे रहे थे कि जिस घर में हम जाएंगी जाएंगे जाएंगे मेरा मतलब जाएंगे, उस घर के किचन को स्वर्ग बना देंगे। वाह वाह, गुरु तो गुरु छो, जो पर चेला भी कुछ कम नहीं है। हम तो गॉड का पास रोज दुआ मांगता है कि हम सब छोकरे लोग को तुम्हारा जैसा एक अच्छा से अच्छा हस्बैंड मिल जाए। मिल जाएगा हस्बैंड, बहुत है। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मगर आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए आए क्यों? ओ मरे गए, आए क्यों? वो तो भूल गए। छोकरे लोग, तुम लोग इधर काय को आया था? कहीं माला देवी से तो मिलने नहीं आए? कड़े बड़ी बिल्कुल ठीक बोला, इंटेलिजेंट छोकरा है। काम 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 क्या है? माला छह क्या? छह माला? अरे नहीं गए हुआ, किधर है वो? ऑफिस ऑफिस ऑफिस। थैंक यू। नॉट एट ऑल, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू, हमने सॉल्व किया। वे चल जा, तू का जा रहा है, जा रही है। अरे मर गए, जल्दी तो मेरे पास आ यार। बाय बाय। माय गॉड, ये लड़कियां देंगी तूफान मेल के कंपार्टमेंट। देख लिया बेटा, अच्छी खासी मुंह से पता फंसा दिया तुम लोगों। हां हमने फंसाया और क्या, ये डीजल का इंजन कहां से? जी आप? मेरा नाम दीपक है, मैं माला जी की कंपनी का मैनेजर हूँ। आप मिस्टर शेखर माला माथुर तो नहीं?
जी बिल्कुल, फरमाइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। ये आपके बस का रोग नहीं, माल के कुछ ऑर्डर आए थे, उसको माला जी के दस्तखत कराने। अल्लाह ही माला जी कहाँ है? माला जी, माला जी ऊपर है? हैं जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माला जी ऊपर है? नहीं, ऑफिस में। तो ठीक है, मैं उनसे ऑफिस में मिलूंगा। माला के फर्म का मैनेजर है। बड़ो हेरा फेरी वाड़ो है, बच के रहना। है? कैसे कैसे कैसे? मैं एक के बराबर जानू हूँ। हाँ, मुझे लग रहा था फाइल्स देखकर। दिलीप, तू ऐसा कर, कैसे भी मार्केट से माल की सही रेट्स पता कर ला। अरे गुरुदत्त सुनो। जी साहब। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा हूँ। नहीं साहब, कुछ तो परेशानी जरूर है। हाँ साहब, क्या करेगा साहब, सात बच्चे का बाप है। और आप जानते हैं। मैं समझ गया समझ गया। ये लो लो लो, रखो रखो, अपने खर्चे के लिए रखना। बात सुनो, ये घाघरे वाली कौन है? वो नए नौकरों के साथ आई है साहब। ओ अच्छा, सुनो तुम इन लोगों का ख्याल रखना और इनकी सारी खबर मुझे देते रहना। और मैं तुम्हारी परेशानी इसी तरह दूर कर। माफ कीजिए, मैं ऑफिस गया था तो पता चल गया फैक्ट्री में, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? एक बहुत जरूरी काम। क्या है? आपके मैनेजर मिस्टर दीपक आपसे कुछ पेपर पर साइन कराना चाहते हैं। तो उन पर साइन मत करिएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है उसमें हेरा फेरी है। ये देखिए माल के सही रेट्स। मिस्टर शेखर, मैं जो इतना बड़ा कारोबार संभालती हूँ, इतना बड़ा ऑफिस चलाती हूँ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले तो नहीं समझता था, खैर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। शट अप एंड गेट आउट। आई सेड गेट आउट। सुनील जी आया है, मुझे बुलाया। दीपक कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही थे, यही कहीं होंगे। राम माला जी, मैं आप ही के पास आ रहा था, इन ऑर्डर्स पे साइन कर दीजिए। मिस्टर दीपक, व्हाट इज दिस? हम जो रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं उनके रेट्स में और मार्केट के रेट्स में इतना फर्क क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना किसी इंक्वायरी किए ऑर्डर्स पे साइन करा लेते हैं। ऐसा कब से हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइए, मैं पुराने ऑर्डर्स को चेक करके आपको बता देता हूँ। प्लीज डू। ऑलराइट। दीपक बाबू मारे गए। ड्राइवर, गाड़ी गैराज में रख दो। अरे क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे? क्या तुमने आज दफ्तर में शेखर को कुछ बुरा भला कहा था? हाँ, तो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है। आंखों में आंसू, दिल में चुभन, एक अजीब सी उदासी छाई हुई है उसके मन में। बड़ी बुरी हालत है उसकी। कह रहा था इस दुनिया में जीने से क्या फायदा? जी हाँ, कह रहा था जहां सम्मान नहीं वहां रहने से फायदा, जी करता है आत्महत्या कर लो। चलो जीना, ये कोई जीना तो नहीं, प्यार के बिना जीना भी है सजा। सनम तुझे कसम, सुन ले दिल की सदा। जीना ये कोई जीना तो नहीं, प्यार के बिना जीना भी है सजा।
तक रहे आजा सनम मिलके चले ओ मेरे साथी मौसम हंसी है आजा सनम तुझे कसम सुन ले दिल की सरा मैनेजर मिस्टर दीपक आपसे कुछ पेपर पर साइन कराना चाहते हैं उन पे साइन मत करिएगा क्योंकि जो रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है उसमें हेरा फेरी है ये देखिए माल के सही रेट्स देख माला शादी का मतलब है घर और सुखी परिवार पर तूने तो इसका मजाक ही बना रखा है परिवार का असली सुख तो बच्चों से होता है गुड मॉर्निंग अरे माफ कीजिएगा पता नहीं इतनी देर तक कैसे सोता रहा मैं तो क्या हुआ चलो चाय पी लो जी चाय तो मुझे लाना चाहिए था आप क्यों क्या मैं आपके लिए चाय नहीं ला सकती क्या मेरे हाथों के बनाए हुए चाय जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल आप अरे ये आप क्या लगा रखी है क्या तुम मुझे तुम नहीं कह सकते कह क्यों नहीं सकता मगर आपकी इजाजत के बिना हर बात के लिए इजाजत की जरूरत होती है तुम इतना भी नहीं समझते जी एक बात कहूं आप बुरा तो नहीं मानेंगी आज आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं अब बेटा शेखर लग रहा है गाड़ी पटरी पे आ गई कितनी बार समझा बैठे नहीं खेलने जाऊंगा बैठे नहीं मुझे बैठे नहीं खेलूंगा अब क्या हुआ जी एक गलती से अट्ठे खेल रहे हो तुम तो खेलने दो क्या हुआ कुछ टूट जाएगा तो कुछ नहीं टूटेगा बाहर इतनी तेज धूप है बाहर खेलेगा तो बीमार हो जाएगा जी जी वो तुम्हें तो बस जी जी करना आता है जी बच्चों के साथ किस तरह प्यार करना चाहिए तुम्हें कुछ नहीं मालूम मिठू बेटे इधर देख चंदा अब इसे मत डांटना बच्चा है इतना बड़ा घर है खेलने दो ना ए मिठू बेटा इधर आओ नेम साहब ने तुम्हारी पप्पी ली हाँ ली अरे यार तू बड़ा खुशनसीब है अरे लता तुम्हारी छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई जी आई एम सॉरी आने में जरा देर हो गई ओह दैट्स ओके पहले ये बताओ क्या हुआ लड़का या लड़की जी बेबी बॉय ओह दैट्स नाइस यू लकी मदर जब से माला देवी ने गोदाम से माल निकलवा कर घर के गोदाम में रखवा दिया है
तब से हेरा फेरी का धंधा सत्यानाश हो गया है। पैकिंग के लिए माल नहीं है, लेबल नहीं है, ऊपर से सब वर्कर लोग पगार के लिए बूम बूम कर रहे हैं। माला इतनी चालाक निकलेगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कहीं इसके पीछे शेखर का तो हाथ नहीं? इम्पॉसिबल डार्लिंग, वो बेचारा खुद ही हुक्म का गुलाम बना बैठा है। शेखर अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम माला के नए गोदाम से कुछ ना कुछ माल जरूर निकाल सकते हैं। वंडरफुल आइडिया, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ओके। आप मर गई। यहाँ? हाँ, यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक सर में दर्द शुरू हो गया। सोचा थोड़ी देर यहीं आराम कर लूं। मगर आराम करने के लिए शहर में हजारों विश्राम गृह हैं। आपने मेरी पत्नी की खटिया क्यों चुनी? You mean this bed? Yes, I mean this bed. आप जानती नहीं मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। जानती हूँ, लेकिन इस बेड में तुम्हारे प्यार की छाया जो है कमाल है। मेरे सर के दर्द से तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं? हाँ है, है। ठहरो, मैं भी बाम लेके आता हूँ। ओके। ओह, 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 ओह। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। ओह। हाँ। कितना अच्छा लगता है। हाँ, अब दर्द गया? तुम्हारा हाथ लगने से सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। हाँ, तो फिर मैं इसको रखाता हूँ। डार्लिंग, क्या तुम माला के सर में रोज इसी तरह बाम लगाते हो? सर तक तो पहुंचने का मौका नहीं मिला, लेकिन चरणों तक जरूर पहुंच चुका हूं। पति पत्नी के चरणों में? शेखर डियर, हाँ? माला से तुमने किस तरह की शादी की? शादी नहीं, एक मजबूरी का एग्रीमेंट किया है जो मेरे और माला के बीच एक राज है। ये राज मुझे नहीं बताते? नहीं। क्यों? क्योंकि ये राज चंद मिनटों का फसाना नहीं, कई घंटों की कहानी है। अगर सुनते सुनाते मेरी धर्मपत्नी आ गई तो खटिया, जैसा कि मैं कह चुका हूं पहले। ओहो शेखर डियर, तुम इतने हैंडसम और पढ़े लिखे नौजवान होकर ये खटिया लुटिया के चक्कर में क्या पड़े हो? तुम नहीं जानते, तुम्हारे एक इशारे पर मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ। एक बार तुम अपना दिल खोलकर अपने बारे में बताते क्यों नहीं? बताना तो चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कैसे? क्यों? अगर किसी ने सुन लिया तो बाहर मिलो। हाँ, वेरी गुड। ऐसा करते हैं, कल ठीक 10 बजे मेरी पत्नी दफ्तर के लिए दफा हो जाएगी। आई सी। और फिर मैं ठीक 10:10 पे रानी बाग के पिंजरे नंबर 10 में वन मानुष के साथ खड़ा आपका इंतजार करूंगा। पिंजरे के अंदर? नहीं, बाहर। हाउ स्वीट। थैंक यू, मैं तुम्हें कल जरूर मिलूंगी। बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू, बाय बाय। सुनिए, अरे सुनिए आपका रुमाल, अरे सुनिए। सिफत है वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था मेरी शतरंज की बाजी ठंडी हो गई, मगर तुम अपनी बाजी गर्म करने में लगे थे। जी नहीं अंकल, वो ये माला की सहेली ना खामा खा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ये देखिए, ये रुमाल छोड़ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी बाजी को मात देने के लिए उल्टी चाल भी चलनी पड़ती है ना, उसके लिए ये रुमाल एक बेहतरीन मोहरा है। शेखर, शेखर जी आ गए आप? चाय चाहिए क्या? चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। ये रुमाल किसका है? जो यहाँ कौन आई थी? आई थी, आई थी लड़की, आई थी लड़की। कौन सी लड़की? आपकी सहेली। कौन सहेली? आपकी सहेली। लेकिन कौन सी सहेली? रिंकी आई थी, रिंकी। रिंकी जी, मगर वो मेरे बेडरूम में क्यों आई थी?
इसलिए कि आप घर में नहीं थी। क्या मतलब? बेचारी सर के दर्द से तड़प रही थी, मैंने आपके बेड पे उसे लिटा के उसके सर पे थोड़ा सा बाम लगा दिया। क्या, तुमने अपने हाथों से इसके सर पर बाम लगाया? जी हाँ। लेकिन क्यों? आपके गेस्ट का एंटरटेनमेंट करना मेरा परम धर्म है, एग्रीमेंट में ऐसे लिखा है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट नहीं है, आइंदा तुम्हें मेरे गेस्ट को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? जी बहुत अच्छा। क्लॉज नंबर 3 कट। फूल आहिस्ता रखो, फूल बड़े नाजुक। टाइम 12:20। करने दो इंतजार, रानी बाग पिंजरा नंबर 10। बारह बज के 20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उसने सवेरे के 10:10 पर बुलाया था? बुलाया तो था, शायद अंदर बाहर में कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अंदर बाहर? पहले उसने बन मानुस के पिंजरे के अंदर, फिर बाहर कहा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने भी एक जासूसी मोहरा छोड़ रखा है, माला का गोरखा। उसकी मदद से हम माला के गोडाउन से माल आसानी से निकाल सकते हैं। तुम्हारी चाल नाकामयाब हो गई तो कोई बात नहीं। मैंने भी कोई कच्चा काम नहीं किया, अब के मेरा रुमाल का माल दिखाएगा। ओ मैं क्या पुत्र, साड़ी भी गाल सुन ले। आई नहीं हो, इधर देखो जी। ओ साड़ी भी गाल सुन ले यार। क्या बकवास है, ठीक से क्यों नहीं बात करते आप लोग? किधर? क्या क्या किधर? असी मिसेस माला नु मिलना है ने। आप लोग मिस माला से मिलने आया, लेकिन आप लोगों का काम क्या है? काम हम तुमको बताएंगा तो फिर मिस माला को क्या बताएंगा? तुसी उना दे सेक्रेटरी है गयो? व्हाट? कादू जी, सेक्रेटरी कादू, मैनेजर। ओ शट अप कादू, क्या बकवास है? कौन आपके घर में घुसा कैसे? दरवाजे से घुसे हम। अबे दरवाजे से बाहर जाओ। आउट। रंगे सोनी का दरवाजा है जी, कमले है जी, तानू बाहर जाओ। दरवाजे बाहर निकालो। आउट। बहुत बदतमीज आदमी जी, बहुत बदतमीज आदमी जी, बहुत बदतमीज आदमी जी। स्मॉल हम रंगे सोनी जी एर्नाकुलम से आया। हां हां तड़े नाल बिजनेस दी गलो इसी। हां मगर बात क्या है? बात मैं बाद में बताता, पहले बोलो ये अब्बा ही अवरू। क्या ये आदमी कौन? ओह मिस्टर शेखर माला माथुर, माय हस्बैंड। Your husband? Yes. जेड़ी कंपनी दा मालिक इन्ना बदतमीज होवे, उस नाल सानू बिजनेस करन दी की लोड़ हैगी स्वामी जी? मगर हुआ क्या? बहुत ही इंसल्ट किया मिस माला, इम्पॉसिबल बिजनेस, इम्पॉसिबल। चलो स्वामी जी, इन्ना नाल बिजनेस नहीं करना, चलो। शेखर, शेखर, ये क्या किया तुमने? जी, क्या किया मैंने? मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए नहीं जानते? जी उन्हें तो बिठाकर एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन कल ही तो आपने कहा था कि मेहमान को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। शेखर, ये मेहमान वो मेहमान नहीं है। ये मेहमान वो मेहमान नहीं है? अच्छा, ये मेहमान वो मेहमान नहीं। क्या बात है माला, आज तो लिबास भी बदला हुआ और मूड भी। मैं उसे देख लूंगी। किसे? उस रिंकी की बच्ची को। मगर क्या हुआ? देखो ना, मेरे घर में आकर शेखर को फांसने की कोशिश कर रही है और शेखर भी अपना रंग दिखा रहा है। अब समझ गई, तेरे दिल में जलन पैदा हो गई है। क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर तेरे दिल में शेखर के लिए कुछ नहीं होता ना, तो आज तो इतनी परेशान नहीं होती। सच बात तो ये है कि तू उससे प्यार करने लगी है। एक बार समझने की कोशिश कर, तो जितने उसे पराये जैसे बर्ताव करेगी ना, वो उतना ही तुझसे दूर चला जाएगा और फिर कोई भी उसे अपना सकता है। देख माला, तेरे दिल में उसके लिए प्यार है ना, तो उसे अपनाने की कोशिश कर। प्यार से प्यार को जीता जा सकता है। क्यों, यकीन नहीं आता? आजमा के देख ले। शेखर जी, जरा मेरा हुक लगा देना। क्या हुआ? जी एग्रीमेंट में लिखा है ना कि मैं आपको टच नहीं कर सकता। ओफो, ये टच वो टच नहीं है। ओ, ये टच वो टच नहीं है। वेरी गुड। जाने क्यों मुझे
जुलाब लगा है। अबे गोजू, क्या तेरा मुंह खुला है? हाँ, बंद 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 तू। तकलीफ हो रही है? आराम मिला? कहाँ था तुम? इधर ही कुछ था। कैसे कैसे? पकड़ डंडा। हरामजादे, तुम लोगों को इसलिए भेजा था कि मार खा के आ जाओ। क्या बताऊं सरकार, वो चार चार थे। ऐसी धुलाई की कनानी याद आ गई। बाबूलाल तो रात से ही गायब है। अगर हम पुलिस के हाथों आ जाते तो आपकी पोल खुल जाती सरकार। शेखर भाई जी, दिलीप मिठू को लेकर डॉक्टर साहब के पास गए हैं। ठीक है, जब तक वो नहीं आते मैं रुकता हूँ तुम्हारे साथ। हा? हेलो, कौन? माला जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी रात को तकलीफ दी। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी जो नौकरानी है, दरअसल मैं आपकी नौकरानी नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की प्रेमिका है। नहीं नहीं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर देख लीजिए, आपके हस्बैंड इस वक्त बेडरूम में नहीं बल्कि नीचे अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। क्या मुझे भरोसा नहीं? तेरे पे तो मने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। पर माला, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपकी जो नौकरानी है, दरअसल मैं आपकी नौकरानी नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की प्रेमिका है। तेरे पे तो मने अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। पर
माना उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। शेखर शेखर कहाँ है? ये वो तो बाहर गए। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? ठीक काम कर रहे हैं। आज से तुम लोगों को यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमने तो ऐसा कुछ शट अप गेट आउट। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? क्या बताऊं अंकल, ये सब लोग मिले हुए हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? मैं जरा माँ को चिट्ठी पोस्ट करने गया था। सुनो सुनो, माला ने दिलीप कैर को घर से निकाल दिया। क्या? उसे पता चल गया कि वो नौकर नहीं तुम्हारे दोस्त है। कहाँ जा रहे हो? मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं सुनो, माला अपने दोस्तों की पार्टी में सोशल क्लब गई है। उस क्लब का माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर दीपक भी वहां है, उसे तो जानते हो, माला जिद्दी है। मैं कुछ समझाने जाऊंगा तो उल्टा ही समझेगी, इसलिए तुम वहां जाकर उस पर नजर रखो। क्या समझते हैं आपने आपको? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया? मेरे घर में आकर मुझे से धोखा? मैं तो कहता हूँ ठीक ही हुआ मिस माला, कि सही वक्त पर आपको उसकी असलियत का पता लग गया। आप फिक्र क्यों करती हैं? हम लोग जो हैं आपके साथ। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। मौका अच्छा है, ये आबे है पिला दो, माला हमारे पूरे काबू में आ जाएगी, और फिर जिस कागज पर चाहो दस्तखत करा सकते हो। तुम सिर्फ दस्तखत की बात कर रही हो, आज तो मैं माला को ही अपने काबू में कर लूंगा। What? ओहो, समझने की कोशिश करो, ये तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए कि यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं है? बहुत दिनों से तुम्हारे करीब आने की मेरी ख्वाहिश थी। आओ मेरे सीने से लग जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ दो। अब तो ये हाथ सारी जिंदगी नहीं छूटेगा डार्लिंग। आओ मेरी बात मान जा डार्लिंग। कम ऑन मिस माला। Yeah!
है आपने आजादी और जिद का नतीजा? शरीफ घराने की औरत किसी जगह होटल बाजार या नाइट क्लब नहीं बल्कि घर होता है। शराब मैं पूछती हूँ आखिर तुम हो कौन? मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की है बल्कि आदमी और औरत में जो फर्क है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी लाखों की भीड़ में रहकर भी अपनी इज्जत को बचा सकता है लेकिन औरत अपने आबरू के लिए अकेले में भी बेसहारा है। आपकी खुशियां आपकी इज्जत आपको मुबारक हो मेरे साहब। आज मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूं। ये लीजिए। शाबाश बेटा मैं बहुत खुश हूं। तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसका मुझे बहुत फख्र है। लेकिन एक बात है दिलीप का टेलीफोन आया था मिथुन की तबीयत खराब है वो अस्पताल में है। क्या? फिक्र मत करो बेटा मैंने उसका इलाज के सारा बंदोबस्त कर दिया है। क्या हुआ चंदा? पता चला मीठू की तबीयत ज्यादा खराब है। हाँ उन्हें सांस की तकलीफ हो रही थी डॉक्टर बोले अस्पताल ले जाओ। तो मेरे बच्चे की दवा नहीं आई अभी तक? जी आती होगी दिलीप लाने गए थे। दवा जल्दी मंगाइए इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। ये माथुर साहब न जाने अपने आप को क्या समझते हैं। अरे कुछ भी समझ नहीं दीजिएगा। हाँ लेकिन आज माथुर कंपनी में होली जलेगी। देखिए मैंने पेट्रोल के कैंस गाड़ी में रखवा दिए आपके लिए 60 लीटर काफी है ना? अरे 60 लीटर में माथुर एंड माथुर कंपनी तो क्या उसका घर भी जलाकर राख कर देंगे। जला देंगे। जल्दी करो सामान गाड़ी में रखो। जी रख देते। ठीक है शुक्र हमारी बातें सुनता था। ले जाओ इसे बंद करो गैराज में ले जाओ। अरे चल अंदर ले जा रहे मुझे चुगली कर रहा है बंद करो इसको। ले शेखर मेरी बात सुन मुझे पता चला है दीपक और रिंकी ने मिलकर आज माला की फैक्ट्री को जलाने का प्लान किया है। क्या? हाँ अंकल फैक्ट्री में गड़बड़ होने वाली है पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है चंदा तुम मिट्टी का ख्याल रखना। ओम प्रकाश गणेश चलो जल्दी चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। उस्ताद उस्ताद वो भाग गया। कौन? वही जिसे दवाई की दुकान के सामने हमने पकड़ा था। रामजादे देख गोरखा है ना देख लिया उसे रास्ते से हटा दे। चलता हूं मैम साहब ये क्या कर रहे हैं? शट अप जल्दी करो चलो। मर गया बाप रे अबे हाँ मर गया। दीपक साहब मेरी बात सुनो। देखा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं बस कर अब आग लगा दे बस चलो।, चलो मैं जला दूं भैया। हाँ हाँ आराम दादो मर गए बाबूलाल मेरी बात सुनो हम सब जल जाएंगे। बाबूलाल मर गए अरे कहाँ
शुक्रिया अदा करने की क्या बात है अंकल? ये तो हमारा फर्स्ट था। अच्छा तुम लोग जल्दी से अस्पताल जाओ, मैं इधर देखता हूँ। चंदा, क्या बात है चंदा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल। मिठू तो ठीक है ना? चंदा बोल। मिट्टू की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, वे लोग थे नहीं, तो ऑपरेशन के लिए मैंने दस्तखत दे दिए। मिठू अब कैसा है? ऑपरेशन कामयाब हुआ, घबराने की कोई बात नहीं। अपनी जान पे खेल कर शेखर ने हमारी कंपनी को बचाया, वरना वो जायदाद दौलत जिस पर तुमको इतना घमंड है सब जल का खाक हो जाती है। मैं शेखर का बेहद शुक्रगुजार हूं, मगर मुझे दुख है तुम उसे समझ नहीं सकी। मैं आज तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं, शेखर तुम्हारा नौकर या गुलाम बनकर इस घर में नहीं आया था, वो मेरे अजीज दोस्त का बेटा है। माला तुम जिद ना आकर इस तरह की शादी करना चाहती थी कि मैंने सोचा कि कोई गलत आदमी आकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे, इसीलिए मैंने शेखर से रिक्वेस्ट की थी, मगर तुमने हमेशा हमेशा उसकी बेइज्जती की, उसे जलील किया, वो बेचारा हंसता हंसता सहता रहा सिर्फ तुम्हारी और मेरी इज्जत के लिए। माला बेटी, अब शेखर जा चुका है, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते खुले हैं, जब जी चाहे अपनी पसंद का लड़का देखकर एक नई जिंदगी शुरू कर लेना।
अमा चलो यार जल्दी। आप जी दिलीप बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन जो मैंने आप लोगों के साथ बर्ताव किया, उसके बदले में आप लोगों ने फैक्ट्री को बचाकर जो मुझ पर एहसान किया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, इसमें एहसान की क्या बात है? आप शायद शेखर से मिलने आई हैं। जी हाँ। तो आप जल्दी कीजिए, एयरपोर्ट जाइए, वो अभी 12 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। ओह जी हाँ, जल्दी जल्दी। बाबा देखकर ही तो बता रहा हूं। मेरी भी सुनिए, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन आज उस चीज को पहली बार धोखा दिया है, जो आती है तो कभी नहीं टलती। मैंने अपनी मौत को धोखा दिया। हाँ बेटी, ये भी उसी प्लेन से जाने वाला था, लेकिन किसी के रिश्तेदार बहुत सीरियस था, इसलिए अपना टिकट उसे दे दिया। मैं इसे प्लेन से भेजने आया था क्योंकि इसकी माँ बहुत बीमार है। क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? जी हाँ। तो फिर तुम कैसे जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, तुम्हारा टिकट किस नाम से बुक करवाऊंगा? मिस माला माथुर या? जी नहीं, मिस्टर शेखर कुमार सिन्हा के नाम से। जाओ बेटे, गॉड ब्लेस यू। क्या कर रहे हो? वो शेक्सपियर ने ठीक कहा था, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया, अपने प्यार दिया, प्यार से मार।